अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, आवाज सही आ रही है आप लोगों को? यस सर। ट्रांजिस्टर जो है इट इज अ डिवाइस व्हिच यूज फॉर एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफिकेशन क्या है? ये मैं एम्पलीफिकेशन की डेफिनेशन है। इट इज प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग converting weak signal into strong signal. मसलन ये हमारे पास सिग्नल, सिग्नल से मुराद अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ये हमारे पास इनपुट सिग्नल है जो हमने ट्रांजिस्टर पर अप्लाई किया, ठीक। लेकिन वो हमें जो एम्पलीफाई करके देगा वो ये सिग्नल होगा जिसकी स्ट्रेंथ यानी एम्पलीट्यूड ज्यादा है। थोड़ा सा ऐसा खराब भी होगा। यहाँ पर कट, यहाँ पर उसका कट है, वहीं पर इसका होना चाहिए, मेरे से सही नहीं बनता। तो ये हमारे पास आउटपुट सिग्नल है। वीक सिग्नल को स्ट्रांग सिग्नल में जो डिवाइस करके दे सकती है वो हमारे पास ट्रांजिस्टर है। इस वजह से हम क्या कहते हैं कि ये जो प्रोसेस है एम्पलीफिकेशन कहलाता है, और ट्रांजिस्टर जो है क्योंकि ये काम कर सकता है इसलिए हम क्या कहते हैं, इट इज एम्पलीफायर। इट कैन एक्ट एज एम्पलीफायर। अच्छा, सिर्फ ये एज ए एम्पलीफायर नहीं होता, इट कैन एक्ट एज अ फास्ट स्विच होता है। फास्ट स्विचिंग कंप्यूटर में जो वोल्टेज होता है वो अल्टरनेटिंग इस तरह से नहीं होता, वो होता है हमारे पास 0-1 की फॉर्म में। 0 का मतलब ऑफ होता है, 1 का मतलब ऑन होता है। तो कंप्यूटर का जो एक कोड होता है, ये जो कंप्यूटर के पीछे एक होती है मशीन लैंग्वेज, वो जो मशीन लैंग्वेज होती है वो कुछ ऐसे इस फॉर्म में होती है 1 0 1 1 0 0 1 0 1, ऐसे ऐसे एक कोड होते हैं जिसे हम कहते हैं ASCII कोड, ASCII। ये मशीन लैंग्वेज है, ठीक है। तो इस तरह का सिग्नल अप्लाई किया जाता है। इसको अगर मैं ग्राफ की फॉर्म में बनाऊं तो यानी वो पहले थोड़ी देर के लिए ऑन है, फिर ऑफ हो गया, फिर वो ऑन ऑन ऑन, फिर वो ऑफ, थोड़ा उलट मैंने कर दिया। पहले ऑन है, यहाँ पर 0 पर आकर वो क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है, ऑफ है, फिर वो ऑन है, ठीक है, फिर वो ऑफ हो गया, फिर वो ऑफ ही रहेगा, फिर वो ऑन, यानी इस तरह कैसे हम कहते हैं डिजिटल कोड 0-1 की फॉर्म। तो ऐसे कोड पर 0 का मतलब है उस ट्रांजिस्टर ने ऑफ होना है, 1 का मतलब ऑन होता है, और एक सेकंड में वो ऐसे कोड्स हजारों परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब वहां पर कोई बंदा तो नहीं रखेंगे किसी सर्किट के अंदर जो वो ऑन ऑफ स्विच कर सके, वो तो कर भी नहीं सकता क्योंकि एक सेकंड में हजारों, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होती है इन कोड्स के फॉर्म होने की। तो ट्रांजिस्टर वो ऑटोमेटिकली ये काम कर सकता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, ये फास्ट स्विचिंग में भी ट्रांजिस्टर इस्तेमाल होता है, फास्ट स्विचिंग में। लेकिन मेन हम इसको जब भी कोई पहली दफा पूछेगा तो फास्ट स्विच का जिक्र, फास्ट स्विचिंग का जिक्र बाद में आएगा। पहला जिक्र किसका होगा, एम्पलीफायर का होगा, कि ट्रांजिस्टर कैन एक्ट एज एन एम्पलीफायर। फिर अगली बार मैंने ये लिखी कि ट्रांजिस्टर मेड अप ऑफ टू बैक पीएन जंक्शन। इस पे जरा गौर करें, जो पहले है हमारे पास, मैं ये छुपा लिया, तो ये क्या है,
पीएन जंक्शन है, क्लियर होगी बात। और दूसरे वाले एन को मैं छुपा दूं तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये भी एन की यानी पीएन जंक्शन ही है। तो ये दो पीएन जंक्शन है बैक टू बैक, इसमें पी जो है ये कॉमन है, क्लियर होगी बात। पी इसमें क्या है हमारे पास, कॉमन है। तो ऐसा ट्रांजिस्टर जिसमें पी टाइप इज सैंडविच, ये डेफिनेशन हम लिखते हैं ऐसे कि पी टाइप इज सैंडविच बिटवीन टू एन टाइप्स, देन दिस इज कॉल्ड एनपीएन ट्रांजिस्टर। और अगर हमारे पास एन टाइप इज सैंडविच बिटवीन टू पी टाइप्स, देन दिस इज कॉल्ड पीएनपी ट्रांजिस्टर। इनके सिंबल्स भी होते हैं, इस पे आगे भी मैं बात करूं, लेकिन मैं इसका सिंबल यहीं पर बना दूं। अगर दोनों के सिंबल अलग अलग हम बनाएंगे, देखिए ये तीन पार्ट्स हैं इसके। ये वाला ऐसा जो है, चलिए मैं अब लिख ही देता हूं, ये कहलाता है बेस, जो सबसे बड़ा होता है, ये कहलाता है कलेक्टर, और ये जो है पहला, ये इमिटर। ये क्यों कहलाता है, ये मैं अगली पेज पे बताता हूँ आपको, ठीक है। तो ये सेंटर वाला बेस, ये इमिटर, और जो सबसे बड़ा पार्ट है वो कलेक्टर। मैं अब इसका सिंबल बनाऊं, अगर ये बेस कहलाएगा, फिर एक लाइन ऐसे लगाते हैं और एक लाइन ऐसे लगाते हैं, इनमें से एक को हम कलेक्टर कह देते हैं, ये बेस है, ये कलेक्टर है, और ये इमिटर है। इमिटर और कलेक्टर एक्सचेंजेबल है, ऊपर नीचे बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक जब एक और मैं अभी एक एरो लगाऊंगा, तो उसके बाद ये फिक्स हो जाएगा कि इमिटर कौन सा है और कलेक्टर कौन सा है। ये सिंबल है, ऊपर इसका स्कीमेटिक डायग्राम है, ये स्केच है। तो दिस इज बेस, इसको मैं अभी इमिटर कह देता हूँ, और ये हमारे पास कलेक्टर है। अब हम एक एरो लगाते हैं यहाँ पर, जो मैं हमेशा भूल जाता हूँ, दिखाई दे रहा हूँ। अगर एरो बेस से इमिटर की तरफ है, बेस से इमिटर की तरफ है, तो ये हमारे पास एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक हो गया। और अगर हमारे पास एरो इमिटर से बेस की तरफ है, तो ये हमारे पास पीएनपी ट्रांजिस्टर है, क्लियर होगी बात। और ये एरो हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है, एरो इन द सिंबल रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ करंट, लेकिन कौन सा करंट, कन्वेंशनल करंट, पॉजिटिव चार्ज वाला करंट जो हम इमेजिन करते हैं, कन्वेंशनल करंट फॉर बायस्ड ट्रांजिस्टर। बायस्ड का क्या मतलब होता है, कोई बता सकता है, जिस पर हमने क्या अप्लाई किया हो, हमने अभी डायोड की बायसिंग पढ़ी है ना, तो उसमें हमने क्या किया, जब बायसिंग करते हैं तो हम उसको किसके साथ कनेक्ट करते हैं, अब बोलो सर्किट के साथ, सर्किट बैटरी के साथ, बैटरी के साथ, बिल्कुल सही बोला, शाबाश, आज आप शाबाश की हकदार हैं, सही बात। पहले तो आप देख, मुझे लगता था बताते हैं वो। तो हमारे पास बायस ट्रांजिस्टर, इसकी हम बायसिंग करते हैं, इस पर बैटरी लगाते हैं, वो हम अभी आगे देखेंगे जब इसकी अभी मैं वर्किंग बताता हूँ। तो हमारे पास वो बायस ट्रांजिस्टर एक सर्टेन रूल्स के मुताबिक जब किया जाता है, तो उसमें करंट की डायरेक्शन आती है, वो जो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होती है बेस और इमिटर के, अगर वो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन बेस से इमिटर की तरफ हो तो वो एनपीएन ट्रांजिस्टर है, अगर वो इमिटर से बेस की तरफ हो तो वो पीएनपी ट्रांजिस्टर। मुझे उलट लग रहा है, तो चेक करके बताओ यार, मुझे ये उलट लग रहा है, ठीक है, उलट है कैसे। चलिए अभी ये सिंपल चेक हो जाते हैं, अभी ये सिंपल चेक हो जाएंगे, अभी हम जब इसकी वर्किंग करते हैं, फिर मैं भी क्लियर हो जाऊंगा और आप भी क्लियर हो जाएंगे। देखें ये जो अभी मैंने ट्रांजिस्टर बनाया, फिर मैं वही बना रहा हूं,
इस हिस्से को हम कहते हैं, पूरे ब्लॉक को हम कहते हैं इमिटर। सेंट्रल जो पूरा ब्लॉक होता है वो बेस, और इसके ये जो टर्मिनल है ये बेस टर्मिनल कहलाएगा, और जो सबसे बड़े वाला हिस्सा है ये कलेक्टर, और इसके जो टर्मिनल है वो कलेक्टर टर्मिनल कहलाएगा। और ये भी फर्ज कर लेते हैं अभी कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, दिस इज एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन से बढ़कर समझाइए। जी इमिटर जो है इसका, पहला हिस्सा इमिटर, इमिटर जो है नाम से ही जाहिर है, इट इमिट्स या पुशेस या ट्रांसफर्स चार्ज कैरियर्स टुवर्ड्स जो दूसरे दो पार्ट्स हैं, बेस एंड कलेक्टर, ये पहला हिस्सा होगा। दूसरा बेस है, सेंटर वाला पार्ट, बेस जो है इट इज सेंट्रल पार्ट ऑफ ट्रांजिस्टर, इट इज स्मॉलेस्ट पार्ट, ये सबसे छोटा है, देखने से ही नजर आ रहा है। एंड इट इज lightly doped, lightly से डूब किए जाते हैं, इसमें डूबिंग से क्या हो जाता है, अगर ये बी टाइप है इसमें होल्स बढ़ जाएंगे, ग्रैंड टाइप है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, लेकिन lightly का मतलब इसमें हमने बहुत ज्यादा डूब नहीं किया हुआ, इसमें होल्स तो होंगे, जो इस पी साइड है इसमें चाहे पी साइड एन साइड उसमें इलेक्ट्रॉन भी होते हैं होल भी होते हैं, लेकिन बी टाइप होगा तो उसमें होल्स जो इलेक्ट्रॉन है उनके मुकाबले में ज्यादा होंगे, लेकिन वो हमने कोई बहुत ज्यादा डोपिंग नहीं की हुई, तो ये मेजॉरिटी चाहिए करिए जो इसमें होल्स होंगे उनकी तादाद भी बहुत ज्यादा नहीं होगी कि वो हर जगह पर मौजूद है। ठीक हो गया। जबकि इमिटर जो होता है इसने इमिट करना है चार्ज कैरियर्स टुवर्ड्स द बेस, इसलिए हमारे पास क्या होता है, इमिटर जो है इट इज हाईली डोप्ड, हाईली डोप, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बहुत बड़ी होगी, एन टाइप में माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही सही, लेकिन यहाँ पर जो हम जिक्र कर रहे होते हैं ट्रांजिस्टर में, वो सिर्फ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हाईली डोप है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है जी, एनपीएन। अब आखिरी हिस्सा जो है वो इसका कहलाता है कलेक्टर। कलेक्टर जो है इट इज लार्ज जस्ट पार्ट कह दें ऑफ ट्रांजिस्टर, इसके नाम से जाहिर है ये क्या करता है, इमिटर से जो चार्ज कैरियर्स आ रहे हैं इट कलेक्ट्स, इमिटर से आने वाले चार्ज कैरियर को ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट करता है, इट कलेक्ट्स मैक्सिमम
चार्ज कैरियर्स फ्रॉम इमिटर, इमिटर से जो चार्ज कैरियर जाते हैं उनमें से मैक्सिमम की तादाद में इनको ये अब्सॉर्ब कर लेते हैं। फिर ये खुद क्या होता है, इट इज लाइटली डोप। अगर अपने पास ही बाजार में रश होगा तो नए ग्राहक कैसे आएंगे, वो तो वैसे ही देख के भाग जाएंगे, टकराव ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, उनको वहां पे एडजस्ट होना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो ट्रांजिस्टर होता है, जो ट्रांजिस्टर का कलेक्टर होता है, इट इज लाइटली डोप। इलेक्ट्रॉन तो एन टाइप में इसमें होंगे लेकिन कोई बहुत बड़ी तादाद में नहीं हो, ठीक हो गए। फिर अब हमारे पास इसके तीन रूल्स हैं बायसिंग के, ये इसके पार्ट्स हो गए। अब है बायसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर, बायसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर जो है इसका पहला हिस्सा इमिटर बेस जंक्शन, आप पूरा लफ्ज लिखिएगा, मैं ई भी लिख रहा हूं जगह काम होने की वजह से। इमिटर बेस जंक्शन इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस्ड, दूसरा कलेक्टर बेस जंक्शन इज ऑलवेज रिवर्स बायस्ड, इलेक्ट्रो वेव जंक्शन हमेशा रिवर्स बायस्ड हो, ये इसकी बायसिंग सूत्र। फिर तीसरी बात मैंने ये बताई है कि रिवर्स बायसिंग वोल्टेज रिवर्स बायसिंग वाला वोल्टेज ज्यादा होगा फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज के मुकाबले। ये तीन असूल हैं जिनको आपने फॉलो करना, मैं दोबारा बना रहा हूं। आप ट्रांजिस्टर की बायसिंग करते हैं साथ वर्किंग भी करते हैं, बल्कि मैं लिख देता हूं वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर, साथ ही बायसिंग भी समझ आ जाएगी। फिर याद कर रखना है हमने सिंबल को री चेक करना है। मैं फिर वही एनपीएन ट्रांजिस्टर बना रहा हूं, एनपीएन ट्रांजिस्टर, एक वायर इधर अटैच की, दूसरी इधर, तीसरी इधर, ये इमिटर टर्मिनल बन गया, ये बेस टर्मिनल बन गया, और जो कलेक्टर के साथ अटैच है ये कलेक्टर टर्मिनल बन गया। इमिटर बेस जंक्शन हमेशा क्या होना है, फॉरवर्ड बायस होना है। फॉरवर्ड बायसिंग के लिए क्या किया जाता है, पी साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और एन साइड को, ये जो एन साइड है इमिटर वाली साइड, ये हमारे पास किसके साथ कनेक्टेड हो जाएगी, नेगेटिव टर्मिनल से। तो ये हमारे पास इमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है। इस बैटरी को हम वीईई बैटरी भी कह सकते हैं, यही है आगे बुक में लिखा हुआ है वीआईई, कैपिटल आई है छोटा आई है, मेरे ख्याल में ज्यादातर वी ई ई भी लिख रहे हैं, लेकिन आपकी बुक में आप जैसे वैसे ही हम लिख देते हैं वी आई ई
क्या कर रही है? फॉरवर्ड बायस कर रही है पीएन जंक्शन। अब आप गौर करें किस पर, कलेक्टर बेस जंक्शन पर। कलेक्टर बेस जंक्शन हमारे पास हमेशा क्या होता है, रिवर्स बायस होता है। रिवर्स बायस होने के लिए क्या करना है, जो एन साइड है इसे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है, और ये जो बेस है ये पी है, इसे रिवर्स बायस करने के लिए बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है। इसे हम कह देते हैं बी सी सी, कलेक्टर वाली है। तभी मैं कहता हूँ ये मीटर के साथ जो अटैच बी और बेस इसमें कॉमन है। फिर तीसरा सूत्र क्या है कि रिवर्स बायसिंग वोल्टेज ज्यादा होना चाहिए किसके मुकाबले में, फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज के मुकाबले में। इसलिए यहां पर मैं दो बैटरियां लगा देता हूं तो हमारा वो भी असूल पूरा हो जाए। दूसरा भी ये तरीका है कि दोनों 5-5 वोल्ट बैटरी की है तो यहां पर आप रेजिस्टेंस लगा दें, एक इधर रेजिस्टेंस लगा दें और एक इधर रेजिस्टेंस लगा दें। ये इधर लगा ही नहीं, इधर जरा बड़ी रेजिस्टेंस लगा देंगे तो इधर से वोल्टेज कुछ पहले किस पे इस्तेमाल हो जाएगा, आर ई पर, बाकी इस पर जाएगा। और इधर रेजिस्टेंस कम है और आर ई ज्यादा है, इधर ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा और मीटर पर कम अप्लाई होगा, फॉरवर्ड बायसिंग कम हो जाएगा और रिवर्स बायसिंग ज्यादा हो जाएगा। इस तरीके से भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपकी बुक में अगर ये जरा मुझे दिखाइएगा, किसी के पास टेक्स्ट बुक है, इधर दिखाओ, बैटरी रेजिस्टेंस लगाई हुई है या कोई नहीं लगाई है, वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर ने लगाई हुई है तो आप भी लगा लें, मैं भी लगा लेता हूं भाई, मुझे कौन सा नुकसान हो रहा है, ताकि आप लोग ये ना कहें कि बुक में रेजिस्टेंसेस कहां से आ गई। एक रेजिस्टेंस हम इधर इमिटर के साथ लगा देते हैं आर ई, ये वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए, करंट को कंट्रोल करने के लिए रेजिस्टेंस लगाएं या ना लगाएं उससे कोई मसला नहीं है, लेकिन उस वक्त लगाएंगे जब हमारे पास इधर वी ई ई बैटरी और रिवर्स बायसिंग वोल्टेज जो है वी सी सी बैटरी, ये आपस में क्या है, ये हमारे पास सेम वोल्टेज की है। अगर ये सेम वोल्टेज की नहीं है, यानी फॉरवर्ड बायसिंग जो है ये हमारे पास ज्यादा है और रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायसिंग वहां पर कम है और रिवर्स बायसिंग हमारे पास ज्यादा है, तो फिर हमें इनके लगाने की आर ई और ये जो आर सी है रेजिस्टेंस के लगाने की जरूरत नहीं है। अगर टेक्स्ट बुक में है लगाएं, अगर नहीं है न लगाए। मेरे ख्याल में अभी मुझे बता रहे कि वर्किंग में नहीं है ना, कोई नहीं, ठीक है, चलो जी बदल नहीं आगे ठीक हो। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। चलें जी, अब सबसे पहले इमिटर में, इमिटर है हमारे पास एन टाइप। अब अगेन टाइम कम है तो इधर मैं उसकी सारी वर्डिंग नहीं लिख सकता, बल्कि कुछ भी नहीं लिखूंगा। ये सारी बातें अभी हमने पढ़ ली कि कलेक्टर लाइटली डोप्ड होता है, बेस भी लाइटली डोप्ड होता है, जबकि इमिटर जो है ये हमारे पास हाईली डोप्ड होता है। यहाँ पर वो सारी बातें मौजूद हैं। क्या बता कि पी साइड पर आगे इलेक्ट्रॉन होल को फिल करते हैं, इसलिए इधर कौन से चार्जेस आ जाते हैं, एन टाइप नेगेटिव आ जाते हैं और पी एन साइड पर हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस आते हैं, और इधर भी कलेक्टर के एन से भी इलेक्ट्रॉन ने आगे इधर होल्स को फिल किया होगा, इधर भी पी साइड पर नेगेटिव चार्जेस होंगे और एन साइड पर हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस मौजूद होंगे। इज इट क्लियर जी? यस सर। देखें ये VEE बैटरी या VIE बैटरी ये क्या कर रही है, इट फॉरवर्ड बायसेस द कलेक्टर बेस जंक्शन। ये इमिटर बेस जंक्शन को ये क्या कर रही है, फॉरवर्ड बायस कर। फॉरवर्ड बायस होने का क्या मतलब है कि ये जो नेगेटिव पोटेंशियल है VEE बैटरी का, ये इधर जब अप्लाई होगा इमिटर पर तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, पुश करेगा किसकी तरफ, बेस की तरफ और कलेक्टर की तरफ। अब बेस बहुत थिन है, ये जुमला सुनना, इसी के अंदर सारी कहानी है। बेस बहुत थिन है, एक बार एक सी लाइन है, एक्चुअली ये माइक्रोमीटर में होती है, जबकि मीटर और कलेक्टर मिलीमीटर्स में होते हैं।
ठीक हो गया, समझ में आ गई बात? चलें, तो ये हमारे पास बेस बहुत थिन होता है और कलेक्टर जो है ये हमारे पास क्या होता है, ये हाईली पॉजिटिव है। यहां पर बीसीसी रिवर्स बायसिंग वोल्टेज के ज्यादा वोल्टेज होने की वजह से, तो इधर से इमिटर से जो इलेक्ट्रॉन आते हैं जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जब वो बेस पर पहुंचते हैं तो इधर हाई पॉजिटिव पोटेंशियल होने की वजह से, इधर हाई पॉजिटिव पोटेंशियल होने की वजह से और बेस के बहुत थिन होने की वजह से ज्यादातर इलेक्ट्रॉन किधर कलेक्ट हो जाते हैं, दे आर कलेक्टेड इन द कलेक्टर। जबकि इधर जो थोड़े से रह जाते हैं उनको ये पॉजिटिव टर्मिनल अपनी तरफ अट्रैक्ट करके क्या कर लेते हैं, अपना एक करंट बना लेता है जिसे हम क्या कहते हैं, बेस करंट कह देते हैं। और ये जो करंट एस्टेब्लिश करेगा इसे हम क्या कहेंगे, इमिटर करंट कहेंगे। और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन आए हैं वीसीसी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देता है तो यहां पर हमारे पास एक करंट एस्टेब्लिश हो जाता है जिसे हम क्या कह देते हैं, कलेक्टर करंट कह देते हैं। मैं दोबारा ये जुमले नहीं बोलता, लेकिन टोटल करंट कहां से आ रहा है, इमिटर से, और वो दो हिस्सों में डिवाइड हो रहे हैं, एक बेस में और दूसरा कलेक्टर में। दिस इज द रिजल्ट। ठीक है, फिर हम इसमें करंट गेन भी है एकदम, शायद वो आ गया है, लेकिन यहां तक जितना हमने पढ़ लिया, ये मैंने आखिर वाली बात बड़ी शार्ट सी जल्दी सी बता दी, इसको यहां तक वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर तक आप लोगों का कल टेस्ट हो। तो ये भी मैं पूछ सकता हूँ कि बेस करंट स्मॉल क्यों होता है, क्योंकि बेस बहुत थिन होता है, तो मीटर से जो चार्ज कैरियर जा रहे होते हैं वो ज्यादातर क्या हो जाते हैं, कलेक्टर की तरफ जाते हैं जिसके पास एरिया भी ज्यादा है और कलेक्टर पर रिवर्स बायसिंग की वजह से, हाई पॉजिटिव पोटेंशियल की वजह से वो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। बेस करंट इस वजह से कम होता है और कलेक्टर करंट हमारे पास इसी वजह से ज्यादा होता है। तो कलेक्टर करंट मिली एम्पेयर में होता है, बेस करंट माइक्रो एम्पेयर में होता है और इमिटर करंट ही हमारे पास किस में होता है, दिस इज आल्सो इन मिली एम्पेयर। ठीक है, तो यहां पर जरा देखो, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक करंट इलेक्ट्रॉन के लिहाज से मैंने एक्सप्लेन किया वो इमिटर से बेस की तरफ है, तो कन्वेंशनल करंट एनपीएन में कहां से कहां होगा, बेस से इमिटर की तरफ होगा। किस तरफ होगा ये हमारे पास, बेस से इमिटर की तरफ। अब मैं इसके सिंबल की तरफ जाता हूं, तो एनपीएन में जो कन्वेंशनल करंट है वो कहां से कहां बनाया हुआ है मैंने, बेस से इमिटर की तरफ, ये एनपीएन का ही सिंबल है, और इमिटर से बेस की तरफ हो तो वो कौन सा है, पीएनपी का सिंबल ही है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। कल मिलते हैं, कल आप लोगों का जो टेस्ट है वो मैंने बता दिया कहां तक, क्लियर है? तो ये ट्रांजिस्टर से रिलेटेड जो इस टॉपिक से रिलेटेड जितना हमने पढ़ लिया है वो शॉर्ट क्वेश्चन भी आप लोगों ने जरूर करने हैं, रेक्टिफिकेशन का टॉपिक और ये यहां तक जो है। अल्लाह हाफिज, लाजमी यार बहुत अच्छा प्रिपेयर करने, अपने इम्तिहान की अच्छी तैयारी करनी है। 10th वालों दोबारा अपनी क्लास को ज्वाइन करो।